मुरादाबाद में रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद होना गौवंश के लिए हादसे का कारण बन गया। इस हादसे में दो गौवंश की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना गुरुवार को मुरादाबाद में अगवानपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुई। यहां कुछ गायें रेलवे ट्रैक पर घूम रही थी, इस दौरान ट्रेन आई और तीन गायें उसकी चपेट में आ गई। इनमें से दो की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रेन के आने पर गायें जान बचाकर दौड़ी, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से उन्हें बाहर आने का मौका नहीं मिला। फाटक के पास में ही तीनों गायें ट्रेन में चपेट में आ गई। दो ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक गंभीर जख्मी है। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत ने जख्मी गायें का इलाज शुरू किया। साथ ही स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी गायें को रेलवे ट्रैक से हटाया गया। दोनों मृत गायों का नगर निगम द्वारा अंतिम संस्कार कराया गया। हादसे के बाद पहुंचे पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत ने कहा कि लोग अपने गौवंशीय पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो रेलवे ट्रैक और जंगलों में पेट भरने के लिए घूमते फिरते हैं। खुद है, अगर ऐसा कहीं भी होता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और मैं अपील करना चाहूँगा जितने भी हमारे पशुपालक हैं कि वो अपने गोवंश को इस तरह से निराश्रित ना छोड़ें कि इस तरह के हादसे आगे हों। आपको सूचना मिलते ही आप यहाँ आ गए थे रेस्क्यू करके या आगे? नहीं, मैं मुझे जैसे ही खबर मिली, मेरी पोस्टिंग यहाँ से दूर है, ठाकुरद्वारा ब्लॉक में मेरा पड़ता है हॉस्पिटल, जैसे ही मुझे खबर मिली मैं तुरंत यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी मैंने जैसे कि ये घायल गोवंश है, इसके उपचार के लिए भी दवा और वो सारी चीज़ें मंगाई हैं। जैसे ही पहुंचते हैं हम अभी अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि एक घंटे बाद आए, ऐसा कुछ है? देखिए, मैंने क्या कहा, मुझे खबर मिली मैं तुरंत यहाँ पहुँचा हूँ, और मेरा हॉस्पिटल आपको भी पता है यहाँ से करीबन 60-65 किलोमीटर दूर है। स्थिति कैसी? शरीफ नगर से स्थिति ठीक नहीं है। क्या प्रक्रिया की आगे की? देखिए, घायल गोवंश का उपचार किया जाएगा और जो मृत गोवंश हैं इनको पूरे विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार नगर निगम के द्वारा, देखिए गाड़ी भी आ गई है, इसका अंतिम संस्कार भी कराया। आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन क्या थी? मैं डॉक्टर प्रशांत, पशु चिकित्सा अधिकारी, शरीफ नगर, मुरादाबाद। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर ना छोड़ें।